गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, सर दिस इज दिस नॉट अ कंबाइंड क्लास। इज यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो सर टुडे नाउ वी कैन फाइनली लर्न आवर सर फेवरेट थिंग्स। रीजनिंग सर सर प्लीज सर टुडे प्लीज टीच अस रैंकिंग टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग सो फॉर। बेटा, व्हाट हैव वी डन इन मैथ्स? व्हाट वर वी डूइंग इन मैथ्स? पहले क्या कर रहे थे हम? डिवीजन ऑन एट चैप्टर एट फ्रैक्शन एंड चैप्टर नाइन डेसिमल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद रीजनिंग टुडे। रेडी ऑल ऑफ यू फॉर रीजनिंग? सो वी आर डूइंग द परसेंटेज चैप्टर। सो वी आर परसेंटेज डायरेक्शन सेंस वी हैव डन सर ओनली टू सर वी हैव डन सो ओनली वन Only one chapter is left: ranking test, alphabet test, and logical sequence of words. This one. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ranking test. Sir, ranking test we have done, but logical alphabet test and logical sequence of words we have not done. Alphabet test and logical sequence of words. We have to first revise the ranking test, then we can do. Okay, everyone, open page number 52 in your book. Do you all have the book? Yes, sir. Please take out your reasoning book. Is sir, taken out and opened the chapter. Very yes, nice. Sir. ओके okay, काम करते हैं। चलो दो तीन क्वेश्चन बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल डू क्वेश्चंस विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस। ओके सर। सो आई कैन वी कैन डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यस, लेट्स स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। It is a question of ranking. Okay. Yes, rank. Okay, so see the question, all of you. Please pay attention. I am reading out the question. Garima ranked 7th in the class. Same question is there in your book also? Yes, sir. Question 1 of exercise. Sir, Garima, I can read the question? Nahin, beta, I am reading it. Garima ranked 7th in a class of 49 students. Chalo, ye question karne se pehle, let me explain some logic behind it before actually starting the question. Do you know anything about ranking? Yes, sir. मैंने कभी बताया? Yes, नहीं बताया। चलो मान के चलते हैं दैट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग। चलिए, देयर इज अ क्लास ऑफ सपोज 8 स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट्स ये क्लास है, ठीक है? ओके सर। 8 स्टूडेंट्स हैं क्लास में एंड देयर इज अ बॉय जिसका नाम है एक्स वाई जेड। एक बॉय का नाम है एक्स वाई जेड। His rank is 3rd from the top. Third from the top rank है इसकी। You yes, have sir. to tell me, अगर हम पीछे से देखें इसकी, आगे से तो चलो थर्ड रैंक है, वेरी नाइस, टॉप से थर्ड पोजीशन पे आया है। सो अगर पीछे yes. से इसकी रैंक देखेंगे, what is the rank of this boy from the back? Sir, first five.
First, sir will be 6. 5. Sir, we will add 1. 1 plus, we will plus 6. 1. Sir, first we will minus 8. Sir, 8 minus 3. Plus 6. Sir, that is 5. Then we will plus 1. Plus 1, then the answer will come 6. Plus 6. Sir, his rank from the bottom is 6. Is anyone going to tell me why are we adding 1? Why are we adding 1? Yes, sir. Sir, because we are minus, sir. Because we are subtracting him twice. Okay. And yes, sir. Nihit Agarwal. Yes, sir. Why are we adding 1? Sir, because we are subtracting the boy twice. That's why we are adding 1. Let me tell you. ओके लेट मी टेल यू कि मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे ए है, सेकंड पोजीशन पे बी है, थर्ड पोजीशन पे एक्स वाई जेड, फोर्थ पोजीशन पे मान लेते हैं सी है, फिफ्थ पे मान लेते हैं डी है, सिक्स पे मान लेते हैं ई है, सेवेंथ पे मान लेते हैं एफ है, एंड एट्थ पोजीशन पे जी. ये 8 बच्चों की क्लास है. 8 बच्चे आर देयर इन द क्लास. प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ एवरीवन. ओके सो देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास. थर्ड पोजीशन पे देखो, टॉप से थर्ड पोजीशन किसकी है, दिख रही है साफ साफ एक्स वाई जेड की है ना. वेरी नाइस. यही हमको दिया हुआ था. अब अगर हम एक्स वाई जेड की बॉटम से काउंटिंग करेंगे तो क्या पोजीशन होगी, ध्यान से देखिए. कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 माइनस 3 कर देते हैं, 5 आंसर बोल देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग. इट इज रॉन्ग. कैसे देखो, बॉटम से काउंटिंग करते हैं. ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 5th पोजीशन, एंड 6th पोजीशन इज द राइट आंसर. बॉटम से क्या रैंक आई एक्स वाई जेड की, 6th रैंक आ गई. सो कैसे निकालेंगे 6th आंसर, क्या आया 6th रैंक आई, कैसे, हाउ विल यू फाइंड आउट. यू विल सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 3, बट उसके बाद प्लस 1 करेंगे. 8 माइनस 3 5, 5 प्लस 1 6. गॉट इट. इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल ऐड 1 इन द लास्ट. देख लो अपने आप, अगर ऊपर से 3rd है तो बॉटम से 6th आएगी रैंक. फाइन, क्लियर ऑल ऑफ यू. नीत अग्रवाल योर माइक इज ऑफ. यस सर. आई एम सीइंग द फॉर्मूलास. दिस इज अ टोटल सब्ट्रैक्टेड बाय टॉप प्लस बाय बॉटम. सो आई एम करेक्ट. फॉर्मूला कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसा कुछ, बस सिंपल लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए. ओके यस सर. ओके सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर इन द बुक. गरिमा वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द बुक. सो कैन वी डू इट बाय आवर ओन. हां, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आई विल आस्क यू. ओके यू ऑल विल टेल द आंसर. गरिमा रैंक, गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स सर प्लीज. इनडिसेबल द 40. हां कर दिया. 49 स्टूडेंट्स आर देयर. एंड गरिमा की रैंक टॉप से 7th है. 7th फ्रॉम टॉप. ओके, आपको बॉटम से बतानी है क्या रैंक है. व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द बॉटम. बिल्कुल सेम वही लॉजिक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए बस. सर, डू वी हैव टू डू इट इन बुक और कॉपी. Noel, this is exercise of book. That, oh, sorry. Okay, thank you. Question sir, one, sir, we are discussing question one from the book. Exercise. Sir, I have sent the chat box. Very nice. Sir, I have also sent the answer.
Garima drank sir, from the bottom. Let me see the answers. Let me see the answers. Correct answers, all of you. Those who have given the answer, everyone has given the correct answer. Some of you are left to give the answer. Samrid, Gunagya. Sir, I have given the answer. Please see. Seen. Correct answer, Samrid. Gunagya, Aman Ali, and Devan Shai. Give your answer. Sir, what was the question? See the book. Open page number 53 in the book. Garima's rank from the top is 49. Sorry, there are 49 students in the class and Garima's rank from the top is 7. ठीक है आपको बॉटम से रैंक बताने हैं गरिमा की क्या है सो लेट अस सी 49 में से 7 माइनस कर लेंगे बॉटम से रैंक निकालने के लिए प्लस 1 भी करेंगे तो फाइंड द रैंक ऑफ गरिमा फ्रॉम द बॉटम सर द आंसर इज 43rd रैंक 49 माइनस 7 प्लस 1 दैट मींस 42 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 43 सर 43 43rd position है from the behind, from the back, from the bottom, 43rd position. Okay, question 1 is done. Question 2. Question 2, all of you, give your answer in the chat box. If Raj finds that he stands from the left end of a line of boys and 6 from the right end, then how many boys are there? How many boys should be added to the line such that there are 28 boys in the line? Very good. Good question. Sir? Yes, sir. Okay, sir, send the answer. Okay, all of you. Question 2. So let me see the answer. Let me see. 10 plus 6, 16. 15 plus 3, 18. 15. Correct answer, 13. Very good. Dekho bhai. Ek boys ki row hai. Theek hai? Boys khade hain. बीच में खड़े हैं कहीं राज उन्हीं बॉयज में से सर सर व्हाट इज द करेक्ट आंसर हां हां बेटा अभी बताते हैं जोन वाली
अगर लेफ्ट एंड से देखा गया, अगर लेफ्ट एंड से देखें तो राज की पोजीशन है 10th, ठीक है। लेफ्ट साइड से देखें, बॉयज खड़े हुए हैं यहाँ पर, खड़े हैं कुछ बॉयज, ठीक है, उनमें से एक राज भी है, ठीक है बेटा। तो अगर राइट एंड से देखें तो राज की पोजीशन आपको पता चलेगी, बुक में दिया हुआ है 6th, ठीक है। अब पहली बात तो अभी ये पता लगा लीजिए कि टोटल बॉयज कितने हैं इस लाइन में, ठीक है। तो 10 प्लस 6 किया होगा आप सब ने। राज की पोजीशन लेफ्ट साइड से देखें, सर, 16, बट ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राज टू टाइम, हाँ 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 यस। अगर लेफ्ट साइड से देखें तो राज इज 10th, अगर राइट साइड से देखें तो राज की पोजीशन 6th है। तो 10 प्लस 6 कितने हो गए बेटा, 16 हो गए। लेकिन 16 करने से क्या हुआ, हमने राज को तो दो बार काउंट कर लिया, am I right or not? एक ही बंदे को दो बार काउंट कर लिया, क्यों कर लिया दो बार काउंट, बिकॉज लेफ्ट से काउंट किया था तो भी राज को काउंट किया था 10th पोजीशन पे, अगर राइट से काउंट किया तो भी काउंट किया राज को 6th पोजीशन पे, तो दो बार काउंट कर लिया, इसलिए माइनस वन करेंगे, 16 माइनस वन यानी कि 15। टोटल बॉयज कितने हो गए इन द रो राइट नाउ, इन द लाइन देर आर 15 बॉयज। नाउ अगर 28 बॉयज हमें चाहिए तो कितने और बॉयज को खड़ा करना पड़ेगा, हमें चाहिए 28, हैं कितने 15 हैं ऑलरेडी, तो 20 कितने और बॉयज को खड़ा करना है, 28 माइनस 15 करके कितना आया, 13 इज द आंसर, गुड क्वेश्चन, आंसर इज 13। Sir, okay. 13. Sir, I have yes, sir, sir, I can tell my method how I do this. Sir, I have plus. Sir, I have done the same by the same method. Sir, I've done that. I have plus 10 plus by 6. It equals to 16. So then I minus 28 minus by 16. Then I plus 12 by 1. बेटा ऐसे नहीं करना है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया इसमें आप mistake कर रहे हैं। इसमें मिस्टेक हो जाएगी, आपने लॉजिक गलत लगाया है, ओके। सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन। यस, सी देयर इज अ बॉय राज, ही इज स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑफ बॉयज, दिस इज द लाइन ऑफ बॉयज, बहुत सारे बॉयज खड़े हैं, ये लाइन है आपको दिख रही है, बॉयज की लाइन है ये, yes, है। Now in this from the left side if we count, Raj is at the 10th position, देखो left side से क्या position है Raj की, 10th, and if we count from the right side, Raj is at the 6th position, अगर right side से count करना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, तो Raj की position पता चलेगी 6th, ठीक है। अब total number of boys अभी कितने खड़े हैं, boys कितने हैं total, ये कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 6 तो किया 16 आ गया, बट राज को तो हमने दो बार काउंट कर लिया, नहीं करा, जब लेफ्ट से काउंट किया था तो भी राज को काउंट किया था, जब राइट से काउंट किया तो भी राज को काउंट किया, तो राज का टू बार काउंट हो गया, नहीं हो गया, लेकिन राज दो थोड़ी है, एक ही है, हम राज को दो बार काउंट क्यों करेंगे, बहुत मोटा भी नहीं है, नॉर्मल आदमी है, अगर बहुत मोटा होता, बहुत ज्यादा मोटा होता तो हम उसको दो काउंट कर लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं है, नहीं बेटा मैं मजाक कर रहा हूँ, तब भी एक ही काउंट करते हैं, तो 16 काउंट करने पर राज टू टाइम्स काउंट हुआ है, सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड 1, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव गॉट, दैट देयर आर 15 बॉयज इन द रो, अभी तो 15 बॉयज हैं टोटल। अब 28 बॉयज हमको करने हैं, तो 28 बॉयज करने के लिए कितने और बॉयज चाहिए, ऑलरेडी 15 हैं, होने चाहिए 28, कितने और बॉयज और चाहिए हमको, 13 और चाहिए, कैसे पता चला, 28 माइनस 15 कर लिया, 13 आ गया, 13 बॉयज और आ जाएंगे तो 28 हो जाएंगे, 15 प्लस 13 करके देख लो आ गया 28, तो कितने बॉयज और चाहिए, 13, क्लियर। सर वी कैन डू द थर्ड वन नाउ, यस, गिव योर आंसर ऑफ द थर्ड वन इन द चैट बॉक्स, everyone chat box mein answer do third one ka, how we will do third one,
Sir, how will do third one? Don't worry, I will explain. You try first. Sir, I can do third one. Try it in, and give your answer in the chat box. Try to karo beta. S or C. Eh? 1, 2, 3. Eh? Second letter. Okay, you all have tried. Let us see the answer. Sir, I have firstly typed the wrong answer, then I correct it. So the answer is no problem. Let's see. Sir, the answer is U.
इफ इन द वर्ड कंप्यूटर्स अभी देखते हैं बेटा अभी देखते हैं चेक कर रहे हैं इफ इन द वर्ड कंप्यूटर्स द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द लास्ट लेटर द सेकंड लेटर इज इंटरचेंज विद द एट्थ लेटर पहले तो मुझे वर्ड लिखना पड़ेगा कंप्यूटर टोटल हाउ मेनी लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्यूटर्स है या कंप्यूटर है कंप्यूटर कंप्यूटर्स है कंप्यूटर्स है ओके इफ इन द वर्ड द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द लास्ट लेटर फर्स्ट को लास्ट से इंटरचेंज कर दिया यानी कि एस पहले आ जाएगा सी लास्ट में आ जाएगा कंप्यूटर ठीक है द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज द सेकंड लेटर इज इंटरचेंज विद द एट्थ लेटर टोटल 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ओ और आर इंटरचेंज जाएंगे आर इधर पहुंच जाएगा ओ यहां पहुंच जाएगा सेकंड लास्ट में ठीक है एंड सो ऑन यानी कि सारे लेटर्स को उल्टा पुल्टा कर दिया है अब E पहले आ जाएगा M लास्ट थर्ड लास्ट चला जाएगा और T और P को इंटरचेंज कर देंगे T और P इंटरचेंज हो जाएंगे U वहीं पे रहेगा ठीक है तो दैट मींस उल्टा करके लिख दिया है वर्ड ठीक है ऐसे करके लिख दिया ये हो गया वर्ड अब विच लेटर वुड कम जस्ट आफ्टर द लेटर T इन द न्यूली फॉर्म वर्ड टी के जस्ट बाद कौन सा लेटर आ रहा है यू आ रहा है यू इज द राइट आंसर सम आंसर इसका ओके सर नेट वाज सेइंग ई सर बट आई हैव चेक्ड इन चैट बॉक्स सो इट इज यू आई एम राइटिंग यू रिटन यू फर्स्टली आई रिटन ई ओके ठीक है बेटा कोई बात नहीं लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑल ऑफ यू ट्राई द फोर्थ क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स Right.
Okay, all of you. So your answer for fourth question is, most of you have given the same answer, D. Okay, let's see. Among A, B, C and D, B is heavier than A and C. B जो है वो A और C दोनों से भारी है, heavy. Heavy यानी कि weight ज़्यादा है. तो B is heavier than A and B is heavier than C. Very good. C is lighter than A. C जो है A से हल्का, यानी कि A का weight C से ज़्यादा है. Sir, sir. एक मिनट. D is heavier than B. D जो है वो B से भी heavy है. ठीक है, तो यानी कि अब देखो बेटा, ध्यान है? नहीं, पहले मेरी बात सुनो. B का वेट A और C दोनों से ज्यादा है और A का वेट C से ज्यादा है, तो दैट मींस A is heavier than C, B is heavier than A. तो B A और C दोनों से heavy हो गया, नहीं होगा. एंड D B से भी ज्यादा हैवी है, तो D सबसे ज्यादा हैवी हो गया. यही बताना है, हु इज द हैवीएस्ट, D इज द हैवीएस्ट. हु इज द लाइटेस्ट, अगर मैं पूछ लूं, हु इज द लाइटेस्ट? C. सर लाइटेस्ट इज द लाइटेस्ट सर वेरी गुड इजी क्वेश्चन. चलिए, वेरी गुड सर. C वेट इज ओनली 1 ग्राम एंड D वेट इज 4 ग्राम. हां, वेरी गुड. वरिन गोयल अपना वेट बता रहा है. चलो बेटा, क्वेश्चन 5. सर एस कैन वी टाइप द सर रेंज एंड मॉड्यूल. गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5.